आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट ऐप। मैं यहाँ जो प्रश्न दे रखा है इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव और दहली आवृत्ति को परिभाषित करना यानी उनकी परिभाषा देनी है और इन भौतिक राशियों को आइंस्टाइन की समीकरण से कैसे प्राप्त किया जा सकता है ज्ञात करना। तो जो फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक धातु की सतह के ऊपर, जब कोई फोटोन यानी कोई कण ऊर्जा का एक भाग, ठीक है, फोटोन ऊर्जा का एक भाग जब टकराता है तो धातु की सतह पर टकराने के बाद उससे धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश, जब प्रकाश का एक कण जब इसके ऊपर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसी को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके पास में कुछ गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा को लिखते हैं के मैक्स, ठीक है। तो के मैक्स का मान क्या होता है, के मैक्स बराबर होता है ई माइनस फाई। ई है यहाँ पे, ई का मतलब है प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा। फाई का मतलब है कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन। कार्यफलन का क्या मतलब होता है कि प्रकाश की हर एक फोटोन हर एक ऊर्जा के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, तो फाई वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकले, धातु की सतह से क्या निकले, बाहर निकले। तो ये न्यूनतम ऊर्जा है, उसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन फाई। अब देखिए, ऊर्जा को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ई बराबर एच गुणा न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, आवृत्ति। ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या है, आवृत्ति। अब देखिए, तो समीकरण नंबर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक। तो इसके अंदर जब अपन रखते हैं तो के मैक्स यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस कार्यफलन को अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। और यहाँ पे जो न्यू नॉट है वही है दहली आवृत्ति। तो दहली आवृत्ति वह मिनिमम न्यूनतम आवृत्ति हो गई जिसके लिए प्रकाश के धातु की सतह पर टकराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये दहली आवृत्ति हो जाएगी, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, तो ये हो जाएगी न्यूनतम आवृत्ति। अब देखिए, के मैक्स को हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, ई गुणा वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू
माइनस एच न्यू नॉट। अब इसके अंदर हम एच को कॉमन ले लेते हैं, तो वी नॉट, तो एच कॉमन आ गया, तो ये आ गया न्यू माइनस वी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये ई, अब ई का, ई को उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा एच बटा हुआ ई न्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वी नॉट है, इसी को कहते हैं निरोधी विभव, ई रोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव का परिभाषा इसके शब्द में ही छुपा हुआ। निरोधी का मतलब रोकने वाला, निरोधी का मतलब रोकने वाला, तो निरोधी विभव हुआ, विभव हो जाएगा निरोधी विभव, वह विभव जो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से, निकलने से रोके। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में वी नॉट बराबर, इसको अगर हम अंदर गुणा करें तो एच बटा हुआ ई न्यू माइनस एच बटा हुआ ई न्यू नॉट। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेखा की समीकरण है, जैसे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए निरोधी विभव क्या होता है, अगर मान लो आवृत्ति अगर शून्य है, अगर v बराबर क्या हो जाए, न्यू बराबर क्या हो जाए, आवृत्ति यानी प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, अगर मान लो प्रकाश की आवृत्ति शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में v नॉट यानी निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, माइनस एच ई बटा न्यू नॉट, यानी शून्य प्रकाश की शून्य आवृत्ति पर जो विभव होगा उसको भी निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास निरोधी विभव की परिभाषा आ गई और निरोधी विभव की समीकरण आ गई। एक जो कथन और निरोधी विभव को दर्शाता है वो ये है कि निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान क्या होना, निरोधी विभव धनात्मक होने के लिए, निरोधी विभव के धनात्मक होने के लिए प्रकाश की आवृत्ति हमेशा दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, और के मैक्स यानी गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक होने के लिए भी न्यू यानी प्रकाश की आवृत्ति का मान न्यू नॉट यानी दहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।